एवरीवन, सो गाइस आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग 2024 इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में। गाइस मेरे पास जो है कई दिन से जो है महाराष्ट्र नीट जो काउंसलिंग के कई सारे कमेंट आ चुके हैं कि इसका जो है शेड्यूल बताइए, और इसमें जो है कैप राउंड 2 का भी शेड्यूल बताए, और साथ में इसमें पूछा गया था कैप राउंड 3 के लिए भी बताइए, करा स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग राउंड इसके लिए भी बताइए। हमारे पास जो है कई सारे जो है इससे रिलेटेड कमेंट आए हैं, तो इसलिए गाइस जो है मेरे को अपडेट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली गाइस अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ है, रजिस्ट्रेशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफ और MBBS और BDS के लिए, तो आप 17 अगस्त से 23 अगस्त तक, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, तो यहाँ पे जो डेट दिया गया 17 से 23 अगस्त 2024 तक है। इसमें पेमेंट ऑफ है रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो इसमें जो है 17 अगस्त से 23 अगस्त 2024 के लिए, अपलोडिंग ऑफ है कलर्ड स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का तो इसमें जो 17 अगस्त से 23 तक है, चॉइसिंग फिलिंग के लिए तो 17 अगस्त 23 तक है। तो आप लोगों को ये मैं बता चुका हूँ, आज भी मैं अपडेट दे देता हूँ कि जो बंदे अगर अपडेट नहीं हुए होंगे तो अपडेट हो सकते हैं देख के वीडियो। और राउंड फर्स्ट की इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ए BPTH और PASLP NPO कोर्सेज के लिए 4 सितंबर से लेकर 18 2024 तक है। काउंसलिंग राउंड फर्स्ट इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फॉर ए BMS BHMS एंड BUMS कोर्सेज के लिए 14 सितंबर से 18 सितंबर है। जो पूछा गया था कि कैप राउंड सेकंड का पूछा गया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेशन अप्लाई आपका 25 सितंबर 2024 यानी कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सेशन अप्लाई 25 सितंबर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक, सीट मैट्रिक का जो पब्लिकेशन होगा आपका जो 16 सितंबर 2024 को होगा। इसमें जो चॉइसिंग फिलिंग की जो है 28 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक है। तो इसमें हमारे पास जो है 10 कमेंट ऐसे मिले थे जिससे पूछा जाता है चॉइसिंग फिलिंग जो है नीट काउंसलिंग महाराष्ट्र के लिए बताइए, तो यहाँ पे इसलिए मेरे को मैंशन करना पड़ा। तो चॉइसिंग जो है फिलिंग जो है 27 सितंबर से 29 सितंबर 2024 के लिए है। अब फिर हम बात करेंगे पब्लिकेशन ऑफ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट फॉर ए रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज 1 से 4 2024 तक है। जो है कमेंसमेंट ऑफ है कर एकेडमिक सेशन आपका 1 अक्टूबर से 2024 तक है। फिर हम कैप थर्ड की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे कैप थर्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर है, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, और पब्लिकेशन ऑफ है जनरल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 14 अक्टूबर से 24 तक है। पब्लिकेशन ऑफ है प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जो है 14 अक्टूबर 2024 पब्लिकेशन, सीट मैट्रिक्स आप 15 अक्टूबर 2024 है, चॉइसिंग फिलिंग के लिए 15 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक है, और राउंड थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में बात करूँ तो 9 अक्टूबर से आप जो है 92,000 फिजिकल ज्वाइनिंग ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज की 23 अक्टूबर से 24 तक है। स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग राउंड की बात करें तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स 2024, ऑनलाइन रिफरेंस चॉइस फॉर्म फिलिंग 2024, डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट 2024, अब फिजिकल ज्वाइनिंग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ए भी 2024 में ही है। इसमें जो है डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट स्टे वैकेंसी 2024 अक्टूबर में ही है, फिजिकल ज्वाइनिंग भी अक्टूबर में ही हो, यानी कि अक्टूबर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट स्टे वैकेंसी 2 अक्टूबर है, फिजिकल ज्वाइनिंग 2 अक्टूबर जो है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन 2 अक्टूबर, डिक्लेरेशन ऑफ है आप सिलेक्शन लिस्ट स्टे वैकेंसी 2 अक्टूबर, फिजिकल ज्वाइनिंग 2 अक्टूबर, डिक्लेरेशन आप सिलेक्शन लिस्ट ऑफ है करें स्टे वैकेंसी जो है 2 अक्टूबर, फिजिकल ज्वाइनिंग आपका नवंबर, मैट्रिक्स राउंड आपका नवंबर, आपकी अलॉटेड कॉलेज आपके नवंबर 2024। एक गाइस आप देख सकते हैं इस टाइप जो है महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में बता दिया। अगर आप लोगों को जो भी डाउट है नेट से रिलेटेड वो मेरे से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और साथ में जो भी इशू है वो भी बता सकते हैं। तो सो गाइस ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक पे, थैंक यू सो मच।